ईपीएफओ क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने, मतलब पीएफ मेंबर की जो पीएफ की बैंक की केवाईसी की रिक्वेस्ट है वो एक एक दो दो महीने तक अप्रूवल ही नहीं हो रही है, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर में ही पड़ी है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में ही पड़ी है। मतलब आखिरकार आपने पीएफ केवाईसी अप्रूवल का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना घटिया क्यों बना रखा है? क्या आपके पास कोई और आसान तरीका नहीं है पीएफ केवाईसी अप्रूवल करने का, बताइए आप लोग। मतलब यहाँ पे भैया किसी पीएफ मेंबर के घर में परेशानी है, कोई इमरजेंसी है और यहाँ उसकी पीएफ की केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रही, तो क्या फायदा ऐसे पीएफ को कटवाने का, आप बताइए मुझे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दूं आज की वीडियो आप लाइक करो या ना करो बेशक से मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। आप लोगों को बता दूं कि जब जब मैंने ईपीएफओ को लेकर किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है वो प्रॉब्लम वो दिक्कत ईपीएफओ द्वारा ठीक करी गई है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाला है। भाई आप लोग खुद ही सोचो ना क्या ड्रामा लगा रखा है पीएफ केवाईसी अप्रूवल करने का है, पूरे का पूरा मैटर आप लोग को इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो कहानी की शुरुआत है, जो मुद्दा है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास पर्सनली रोज 20 से 30-50 कॉल आते हैं, ठीक है ना, पर डे पीएफ मेंबर्स के, क्या करने के लिए कि सर हमारी जो पीएफ की केवाईसी, वो लोग पूछते हैं कि सर हमारी जो पीएफ की केवाईसी है वो अप्रूवल नहीं करी जा रही है, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में ही पड़ी है, कंपनी के पास जाते हैं बोलते हैं रिक्वेस्ट आई नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं पेंडिंग विद एम्प्लॉयर में ही पड़ी है, कंपनी बंद हो गई है, पीएफ ऑफिस हमारे घर से बहुत दूर है। क्या है भैया ये, क्यों क्यों पीएफ मेंबर्स को इतना परेशान किया जा रहा है पीएफ की केवाईसी अप्रूवल करने के लिए? 101% ही दिक्कत आपके साथ भी आ रही होगी, पीएफ केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही और इस वजह से आपका पीएफ का पैसा फंस चुका है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया भैया कि जो मेन दिक्कत है वो है पीएफ केवाईसी अप्रूवल को लेकर, ठीक है, और ये दिक्कत आपके साथ भी आ रही है। भाई बहुत से लोगों की केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में ही पड़ी है, कंपनी के पास जा ही नहीं रही, और कुछ लोगों की कंपनी के पास जा रही है तो कंपनी अप्रूवल ही नहीं कर रही, या फिर कोई बंदा कंपनी छोड़ चुका है और कहीं दूर जा चुका है। मैं ईपीएफओ आपसे सवाल पूछता हूं, ऐसे में पीएफ मेंबर क्या करे, अपना पीएफ का पैसा भूल जाए क्या करे? क्योंकि बिना पीएफ केवाईसी अप्रूवल के बैंक केवाईसी के तो पीएफ का पैसा निकलेगा नहीं, तो वो क्या करे, अपने पीएफ का पैसा भूल जाए? या आप लोग मुझे बता दो कैसे केवाईसी अप्रूवल करे या कैसे पैसा निकाले पीएफ का, ईपीएफओ से सवाल पूछ रहा हूं। अब ईपीएफओ कहेगा भैया वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है, अरे आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करो ना, ऐसे ऐसे प्रूफ पड़े, 2-2, 3-3 महीने से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में, आगे रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही। अब ईपीएफओ कहेगा जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग विद एम्प्लॉयर में चली गई है भैया उनकी कंपनी अप्रूवल कर देगी। तो आप ध्यान से सुनना ईपीएफओ, मैं ईपीएफओ से बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई एक पीएफ मेंबर है, ठीक है, उसने 7-8 साल काम किया, उसकी कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद वो काम कुम छोड़ के भैया अपने गांव चला गया, मान लीजिए हरियाणा में काम करता था गुरुग्राम में, और वो बिहार चला गया 1500 किलोमीटर दूर, तो पीएफ ऑफिस वो आ नहीं पाएगा। पीएफ ऑफिस कैसे आएगा वो बेचारा 1500 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद भैया कंपनी से कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, तो वो पैसा निकाले कैसे जहां कंपनी उसके पास नहीं है, पीएफ ऑफिस उसके पास नहीं है? तो सवाल ये है कि वो पीएफ का पैसा कैसे निकाले ईपीएफओ, आप खुद मुझे ये बताइए, फंस गया उसका तो पैसा भैया है, आप में से भी बहुत से लोगों का फंसा होगा, ठीक है ना। तो ईपीएफओ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई तो ऐसा प्रोसेस होगा, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे पीएफ की केवाईसी जल्दी अप्रूवल हो जाए है, इतना भटकना ना पड़े पीएफ मेंबर को, कहीं भी हो पीएफ मेंबर अपने स्मार्टफोन से किसी साइबर कैफे में जाके जल्दी से जल्दी अपनी पीएफ केवाईसी अप्रूवल करा ले, कोई तो ऐसा उपाय होगा, आपके पास नहीं होगा मैं बताता हूँ। क्या ईपीएफओ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा उपाय ला दें जिससे कि मान लीजिए भैया रिक्वेस्ट मैंने पोर्टल पर डाली और पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालती मेरी सारी वेरिफिकेशन की जाए, मतलब कोई गलत काम की गुंजाइश ना हो, मेरा आधार बेस्ड ओटीपी लिया जाए, ठीक है, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर हो, मेरा वेरिफिकेशन अंडर मतलब पूरे का पूरा वेरिफिकेशन किया जाए, ठीक है, कि बैंक अकाउंट मेरा है या नहीं है, मेरा आधार कार्ड लिया जाए, सब कुछ वेरीफाई करके क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि भैया 24 से 48 घंटे के अंदर ही पीएफ केवाईसी अप्रूवल हो जाए, मैंने रिक्वेस्ट डाली और तुरंत अप्रूवल हो जाए है? कुछ तो ऐसा हो सकता होगा, मैं अपना खुद का ही खाता लगा रहा हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप 2-2 महीने तक वेरिफिकेशन कर रहे हो, भैया मैं अपना ही बैंक अकाउंट लगा रहा हूँ, किसी पड़ोसी का तो नहीं लगा रहा हूँ अपना बैंक अकाउंट है? अब मैंने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं कि किसी और के पीएफ में किसी और, मतलब किसी और के बैंक अकाउंट में किसी और का पीएफ सेटल हो गया, किसी और के पीएफ में किसी और का बैंक अकाउंट लगाया और वो पीएफ सेटल हो गया, यहाँ कहाँ गई आपकी वेरिफिकेशन? आप कहीं और वेरिफिकेशन जता रहे हो, कहीं और नहीं जता रहे हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ईपीएफओ, पीएफ मेंबर्स परेशान है, हमें पता है हमारे पास डेली कितने केसेस आ रहे हैं, या आप लोग मुझे बता दीजिए आप लोग क्या चाहते हो। ईपीएफओ से पूछ रहा हूँ मैं, पीएफ मेंबर्स परेशान हैं, उनकी केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रही, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा आपके पास, कोई ना कोई आप भैया ऐसी टेक की टीम हायर करिए जो इसको बिल्ड करे कि भाई पीएफ की केवाईसी जल्दी जल्दी अप्रूवल कर दी जाए, पूरी वेरिफिकेशन हो, मतलब गलत काम की गुंजाइश ना हो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन पूरी वेरिफिकेशन हो, आधार बेस्ड ओटीपी ली जाए, चाहे वीडियो केवाईसी कर लो आप, उसमें तो नहीं हो पाएगा ना, वीडियो केवाईसी कर लो आप, वेरीफाई होता है तो तुरंत 2-4 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर अप्रूवल कर दो, या 1-2 दिन की छोड़ो आप,
101% आप एक हफ्ते के अंदर ही अप्रूवल कर दो, बंदे को भटकना तो ना पड़े, ठीक है। मतलब आप लोगों को बता दूं, कंपनी वाले नहीं सुनते कंपनी छोड़ने के बाद, वो तो कहते हैं कौन हो आप जी, हम नहीं पहचानते आपको, ऐसे कहते हैं। पीएफ मेंबर्स ही परेशान होते हैं, पीएफ ऑफिस में भी कुछ सुनवाई नहीं होती, तो पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पीएफ केवाईसी को लेकर। इसे अप्रूवल करिए, ठीक है, या फिर इसका कोई ऐसा उपाय लाइए कि जल्दी जल्दी अप्रूवल की जाए। और अब मेरी आप सभी पीएफ मेंबर्स से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो ईपीएफओ तक पहुँच पाए और ईपीएफओ कोई ऐसा सिस्टम बनाए, मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। या मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेरे से कॉन्टैक्ट करे कि जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी अप्रूवल करें पीएफ के वाईसी, पीएफ मेंबर्स परेशान हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आंखें खोलनी थी मुझे पीएफ ऑफिस की इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक मत करना, शेयर कर देना, ताकि वीडियो ईपीएफ तक पहुँच पाए। जितने पीएफ मेंबर परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपये फंसा हुआ है पीएफ मेंबर का, वो निकल जाए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, आज लाइक की नहीं कह रहा, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।